अस्सलाम वालेकुम वास कुकिंग विद शबाना ज़ैदी के चैनल पे आप लोगों को वेलकम है। आज हम आप लोगों के लिए सीख कबाब की रेसिपी लेकर आए हैं। यहाँ मेरे पास बीफ का कीमा है। कीमे को अच्छी तरीके से धो के और मैंने इसे निचोड़ लिया, यानी कि इसमें कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने चॉपर में हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, जिसको कि हम अब चॉप करेंगे। मसाला चॉप हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक मलमल का कपड़ा लिया है। अब ये तमाम मसाला हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम निचोड़ेंगे। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसे निकालना चाहिए, तभी हमारे जो कबाब हैं वो टूटते नहीं हैं। अच्छी तरीके से हमने तमाम प्याज का पानी निकाल देना है। अब इसी चॉपर में हम अपना ये कीमा डालेंगे। वैसे तो ये मशीन का कीमा है, मगर अभी हमने इसे और भी फाइन करना है। देखें, कीमा इस तरीके से बिल्कुल फाइन होना चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये जो हमने अदरक, लहसुन, प्याज चॉप करा है, हरा धनिया है थोड़ा सा, वो डालेंगे। और इसके अंदर कुछ हम मसाले डालेंगे। घर के ही मसालों से हम ये सीख कबाब बनाना आपको बता रहे हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसे अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसे मिक्स करना। असल काम यही है कि इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। वीडियो आप लोग पूरी देखा करें, स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, समझाती हूँ। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आने पे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसको हमने मसलना है तकरीबन 10 मिनट तक, फिर इसका असल जो जायका बनकर आएगा बहुत ही मज़ेदार। ये देखें, अभी से इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। घर के मसालों से बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। मेरी कोशिश होती है मैं तकरीबन घर के सारे मसाले के साथ आप लोगों को रेसिपी दूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को सीख कबाब की रेसिपी दी है बीफ। ये देखें, कीमे को मसलते हुए तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट इस तरीके से गूंदा है। इस तरीके से हाथों की मदद से खुले बर्तन में आपने डाल के ये काम करना है, तो यकीन जाने आप बाज़ार के कबाब खाना भूल जाएंगे। और सिंपल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, कोई बाज़ार का मसाला नहीं डाला, सारे अपने घर में मौजूद मसाले डाले हैं। और इसका ये देखें, इस तरीके से ये लुक बनेगा। और इसको अभी हम कुछ देर के लिए इसे रखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमने क्या करना है। कीमे को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, मगर इसमें एक हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो कि बाज़ार वाले डालते हैं, वो है मीठा सोडा। यहाँ हमने 2 चुटकी मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा डालने से कबाब बहुत ही अच्छे फूलेंगे और ये मज़ेदार कबाब बनाएंगे। और इसको हमने मज़ीद अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और कबाबों का मसाला देखें कितना ज़बरदस्त ये बना है हमारा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। अच्छा, इन कबाबों को आप लोग अंगीठी में भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों को सहूलत लगे आप उस तरीके से इन कबाबों को बना सकते हैं। सीख के ऊपर इस तरीके से हमने कबाब को चढ़ाना है और हाथों को हमने गीला करते हुए इस तरीके से, पहले इसे हमने नीचे से इसको हमने अच्छी तरीके से बंद करना है, सील करना है, और फिर हमने इस ऊपर से, और फिर अब हाथों की मदद से हमने इस तरीके से प्रेशर देना है, जिसकी वजह से कबाब जो है हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखें, कबाब पे हमने इस तरीके से उंगलियों की मदद से प्रेशर देना है। इससे देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और कबाबों का शेप बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखें,
इस तरीके से हमने तमाम कबाब को शेप देनी है। और इसको आज मैं जो पका रही हूँ वो बहुत ही नए तरीके से मैं आप लोगों को कबाब बनाना बताऊँगी। ये देखें, कबाब को हमने इस तरीके से शेप दे दी और यहाँ से हमने ज़रूर सील करना है दोनों साइडों से। और दूसरी तरफ मैंने ये देखें लोहे की कढ़ाई जो है मैंने प्रीहीट होने के लिए रखी है। आज हम इस तरीके से कबाब बनाएंगे। लोहे की कढ़ाई लेनी है, लोहे की कढ़ाई बहुत जल्दी गर्म होती है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। इसी तरीके से हम इसे कबाबों को पकाएंगे। इस तरीके से हम चारों तरफ से पकाएंगे घुमाते हुए। इसी तरीके से देखें मैंने दूसरी सीट भी तैयार कर ली है। इस तरीके से हम इसे पकाएंगे और इनको मैं इस तरीके से फोल्ड करती रहूँगी। चारों तरफ से हमने पकाना है। एक और अहम बात, जब आप सीख पे कबाब लगाएं तो सीख को भी आपने गीला करना है। एक ये भी पॉइंट होता है का कबाबों के गिरने का। और इस तरीके से हमने दबाते हुए कबाबों को, ये कबाब भी मैंने इस तरीके से इस पे रख दिया। इस तरीके से पकाने से हमारे जो कबाब हैं वो देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त पक रहे हैं। चारों तरफ से हमने इसको पकाना है और आप ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं कबाब। अगर आपके पास अंगीठी नहीं है तो आप इस तरीके से बआसानी कबाब बना सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। तमाम सीखों को हम इस तरीके से पलटते रहेंगे और ये हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं। ये देखें जो कबाब हो गए इन्हें हम निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका इसका ये है कि हमने टिश्यू की मदद से थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा हम ये नीचे से इसे इकट्ठा करते हैं ताकि निकालने में आसानी रहे और कबाब हमारे टूटे नहीं। तो ये देखें बआसानी कबाब हमारे बन गए। ये देखें इस तरीके से कबाब बनाकर आप लोग फ्रीज भी कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप लोग इसको जब निकालें और बना फ्राई कर लें। ये देखें दूसरी सीख भी हमारी तैयार हो गई, थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा नीचे से। और फिर हम इस कबाब को ये देखें इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाब ये बन गए हैं। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने एक पैन रखा है, अब इसमें हम इसे थोड़ा सा कलर देंगे। इसी तरीके से तमाम कबाबों को हम फ्राई करेंगे। पलटते पलटते हुए हमने करना, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि इस पर कलर अच्छा सा आ जाए। ये देखें कबाब हमारे हो गए, अब हम इसे इस तरीके से प्लेटों में निकाल लेते हैं। आप देखें अभी हाफ डन हुए हैं, अभी इन्हें हमने फ्राई नहीं करा। इस टाइम पर आप इसे ठंडा कर पॉलीथीन बैग में डालकर और फ्रीज कर दें। जब कभी आपका दिल करे निकालें और फिर इसको फ्राई करके इंजॉय करें। ये देखें ये सारे कबाब मैंने पहले कढ़ाई में कर लिए हैं, ये हाफ डन है। इसके बाद हम इन्हें सारों को फ्राई करेंगे। इन कबाबों को आप ठंडा करके और इसे पॉलीथीन बैग में डाल के फ्रीज़र में रखें। जब आपके मेहमान आए या आपका दिल करे तो आप इसे निकाल कर इंजॉय करें। मैं पैन में हम तेल डाल रहे हैं, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब इसमें एक एक करके हम ये कबाब रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर बनाएं। अगर आप कढ़ाई में नहीं पकाना चाहते तो आप डायरेक्ट फ्राई पैन में भी बना सकते हैं इन कबाबों को। कबाब हमारे पके में सिर्फ हमने इसमें कलर देना है।
कबाब हमारे फ्राई हो गए। अब हमने एक कोयला रखा है और इसके ऊपर हम ये ढक्कन दे देंगे ताकि इसके अंदर बारबेक्यू का टेस्ट आ जाए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब बनके तैयार है। अब मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब बनके तैयार है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और इस प्याली को हम निकाल लेते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब बनके तैयार हैं, गर्मा गर्म और मज़ेदार। इस तरीके से आप लोग बनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ और दोस्तों के साथ। कमेंट्स करा करें कि आप लोगों को मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लग रही है। ये मज़ेदार से कबाब आप लोग बनाएं मेहमानों के लिए, अपने लिए और इंजॉय करें। और यकीन जाने जब आप ये कबाब खाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाए हैं, बल्कि ऐसे लगेगा कि बारबेक्यू करें हम। और इसके साथ हम ये ग्रीन चटनी सर्व करेंगे। ये देखें बहुत ही लाजवाब कबाब बने हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंदर से देखें बहुत ही जूसी, ये देखें जूसी और नरम बने हैं। इस रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करने हैं कि रेसिपी कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलेंगे अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।